ऊना शहर में पेश आ रही समस्याओं को लेकर वीरवार को व्यापारी नगर परिषद अध्यक्ष पुष्पा से मिले। संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रिंस राजपूत की अध्यक्षता में व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसे जल्द हल करवाने का आह्वान किया। व्यापारियों ने अपनी समस्याओं में मुख्यतः ऊना शहर में शौचालय, चौकीदार व पार्किंग जैसी विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर नगर परिषद के ईओ संदीप कुमार व नगर परिषद उपाध्यक्ष पवन कपिला, पार्षद विनोद पुरी, जनकराज खंचाजी, इंदु विशेष रूप से मौजूद रहे। संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रिंस राजपूत ने बताया, ऊना शहर में शौचालय न होने के कारण व्यापारियों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, खासकर महिलाओं को परेशानी से जूझना पड़ता है। उन्होंने नगर परिषद से आग्रह किया है ऊना शहर में शौचालय की व्यवस्था की जाए, ताकि व्यापारियों सहित उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। वहीं संयुक्त व्यापार मंडल के महासचिव नरेंद्र पाल सैनी ने कहा, पिछले कुछ दिनों से शहर में चोरी व लूटपाट की घटनाएं बढ़ी हैं। सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में शहर में चौकीदार की व्यवस्था की जाए, ताकि चोरी व लूटपाट की घटनाओं पर लगाम लग सके। इसके अलावा व्यापारियों ने शहर में पार्किंग की बेहतर व्यवस्था बनाने की मांग उठाई, ताकि शहर को जाम मुक्त किया जा सके। नगर परिषद अध्यक्ष पुष्पा देवी ने कहा, व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर अवगत करवाया है। उन्होंने कहा, शहर में शौचालय न होने के कारण व्यापारियों को दिक्कत आ रही है। ऐसे में व्यापारियों से भी आग्रह किया है कि जहां पर पर्याप्त हो नगर परिषद को अवगत करवाएं, ताकि शौचालय का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा अन्य समस्याओं पर भी विचार किया जा रहा है। आज यहाँ पर नगर परिषद बैठक की क्या मुद्दे थे आपके जो आज आपने? हम आज संयुक्त व्यापार मंडल में प्रिंस राजपूत जो हमारी जो शहरी अध्यक्ष है उनके साथ हमारी चेयरमैन नगर परिषद की पुष्पा देवी जी के साथ अपनी कुछ मांग लेकर आए थे। जैसे कि हमारे शहर उन्ना में पब्लिक टॉयलेट जो है वो कोई भी टॉयलेट नहीं है। जब भी कोई कस्टमर या कोई भी और यहाँ पर आते हैं, उनके लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। और बीते दिनों में शहर में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हुई है, लूटपाट की घटना हुई है। उसके लिए हमने नगर परिषद से निवेदन किया है कि नगर परिषद अपने बिहाफ पर या पुलिस प्रशासन से हमें जो है नाइट पेट्रोलिंग के लिए चौकीदार उपलब्ध कराए, या कोई होमगार्ड्स या पुलिस का बंदा कोई उपलब्ध कराए, जिससे फैसिलिटी मिल सके हमें। और सेकेंड हमने ये भी बोला है कि शहर में जो उचित सफाई व्यवस्था उसका भी प्रावधान किया जाए, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा देवी जी ने हमें आश्वासित किया है कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निवारण करेगी और हमें व्यापार मंडल को सहयोग करेगी। व्यापारियों ने कुछ मांगे रखी हैं, जैसे शहर में शौचालयों को लेकर और चौकीदार की समस्या को लेकर, तो क्या चर्चा हुई आज? अभी कर रहे हैं हम डिस्कस, तो देखते हैं अब इनके जो इन्होंने सुझाव रखे उनके बारे में सोचते हैं। और जो शौचालय जो मेन जो बात थी वो टॉयलेट वाले की रोज था इनका व्यापार मंडल वालों का, उसके लिए हमने बोल दिया अगर पहले वाले बने हुए हैं जो कुछ उनकी रिपेयर वगैरह होती है वो हम करवा देंगे। अगर मार्केट में बनाना चाहते हैं तो हम एक जगह प्रोवाइड करते हैं, हम वहीं भी बना देंगे, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से लकी के साथ चंद्रमोहन चौहान।